जैसे कि आखिरी गीत और क्या वो लोग आए जिनका मैंने रिक्वेस्ट किया था वो लोग नहीं आए, रामचंद्र मांझी जी, लक्ष्मण जी, मैं चाहती थी कि वो लोग मंच पे रहे और एक तरह से जी किसी आज रह जाइए कल सुबह कल सवेरे बुला देंगे जयनंदन उसको आपको प्रणाम जरूर मैं मिलना चाहूंगी उन लोगों को, हालांकि आपके फिल्म के माध्यम से मैंने देखा उन लोगों को, आप क्या फिल्म क्या डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए हैं, ठीक है कल ही मिलेंगे तो क्योंकि नेटवा के विषय के ये गीत है तो मैं चाहती थी वो लोग मंच पे तो उसका उनकी नृत्य का अलग ही एक परिभाषा होता है मंचन क्योंकि आपने मुझे समय सीमा दिया, जगरिया जो ना विदेशी नाटक से ही है वो गाई मैं, लेकिन मैं प्यारी सुंदरी गाना चाहती थी, मैं भिखारी ठाकुर जी ने तुलसी दास को अपना काव्य गुरु माने और राम को मोक्ष का मार्ग माना और मैं चाहती थी लगनिया हो लगनिया गाओ राम राम हरे हरे गाओ, लेकिन शायद आप लोगों का प्रोटोकॉल है समय सीमा है सो फिर कभी गाएंगे नेटवर्क से फिर हम खत्म करना चाहेंगे और एक गाँव Thank you.
बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, जानेंद्र जी आपको, खासकर संगीत नाटक अकेडमी को। और मेरे लिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा, जहाँ तक भोजपुरी भाषा आंदोलन की भी बात है और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भिखारी ठाकुर जी को मान्यता मिलने का मतलब है भोजपुरी भाषा को भी एक तरह से मान्यता मिलना। और वो दिन दूर नहीं शायद, अभी लगता है कि हम लोग आधी लड़ाई आधी आंदोलन जीत चुके हैं और कोशिश करते जाएंगे। आप लोगों से मुलाकात करना है, मैं पर्सनली भी मिलना चाहूँगी। हो सकता है आप में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आशीर्वाद दे सकते हैं मुझे, एक तरह से मुझे गाइड कर सकते हैं किस तरह से आगे क्या क्या जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।